नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, वसई विरार अंतर्गत गणपति विसर्जन के पहले दिन से 10 दिन तक व्यवस्थाएं ठीक ठाक दिखाई दी, लेकिन कल गणपति विसर्जन के आखिरी दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। दरअसल घटना कुछ ऐसी है कि विरार के एक तालाब पर वहां तैनात गणपति विसर्जन के लिए जो वॉलेंटियर था, उस वॉलेंटियर की पानी में डूबने से मौत हो गई। उस वॉलेंटियर का नाम अमित सतीश मोहिते बताया गया है, उम्र 24 साल है। आपको बता दें कि जो घटना सामने आई, जो खबर सामने आई है, वो खबर ऐसी है कि अमित कल दोपहर से वहां पर तैनात था और शाम तक कई बार उसने पानी में उतरकर मूर्ति का विसर्जन किया, लेकिन शाम के समय एक बार जब फिर अमित मूर्ति विसर्जन के लिए पानी में उतरा तब उसे वहां मिर्गी का दौरा पड़ा और उस मिर्गी के दौरे के कारण अमित पानी से बाहर नहीं निकल सका और उसकी वहीं जान चली गई। इस मामले से कहीं ना कहीं अमित के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरा परिवार गमजदा माहौल में गमगीन हो गया। इस मामले ने महानगर पालिका की तैयारियों में कमी को भी थोड़ा दर्शाया, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि विरार के उस तालाब में जब अमित पानी के अंदर डूब रहा था तब वहां उसी समय उसे बचाने वाला कोई था नहीं, किसी का ध्यान अमित को बचाने पर गया नहीं। अगर समय रहते अमित को बचाया जाता तो अमित बच सकता था। हालांकि बाद में जब थोड़ा समय निकलने के बाद महानगर पालिका के लोगों को आभास हुआ कि पानी के अंदर कोई डूब गया है, तब महानगर पालिका अग्निशमन दल के लोग पानी में उतरे और उन्होंने अमित को बाहर निकाला, लेकिन तब तक अमित की मौत हो चुकी थी। अमित अपने परिवार का इकलौता बेटा ऐसा बताया गया है और अमित के जाने से परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। चूंकि अमित महानगर पालिका द्वारा ठेके पर रखा गया था, तो अब महानगर पालिका को अमित के परिवार को कुछ ना कुछ आर्थिक मदद करनी चाहिए। वैसे वसई विरार महानगर पालिका ने काफी अच्छी तरह से 10 दिनों में काफी बेहतरीन व्यवस्थाएं की थी, लेकिन आखिरी दिन कहीं ना कहीं महानगर पालिका की काफी बड़ी चूक हुई और उसमें एक 24 वर्षीय नौजवान युवक की मौत हो गई। तो यह खबर काफी दुखद खबर कल विरार से सामने आई। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।